एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एडीएचडी यह बीमारी बहुत बच्चों में दिखाई देती है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बिटवीन 2.2 to 3% बच्चों को एडीएचडी है, बहुत ज्यादा हो गया वैसे देखा जाए तो, और एडल्ट में भी 2.6 to 2.8% एडल्ट को भी एडीएचडी दिखाई देता है। तो ये एडीएचडी है क्या? पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, तो उसके सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा बहुत बहुत ही हाइपर एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता है, इधर से उधर कूदेगा, उधर से उधर करेगा, ये उठाएंगा वो उठाएंगा, एक जगह बिल्कुल टिक नहीं पाता, इधर से जंप उधर से जंप, मतलब उसको डर लगता नहीं है कि भाई मैं जंप करूंगा लगेगा फ्रैक्चर होगा या कहीं हाथ मार देगा, कोई ऐसी तेज धार वाला कुछ होगा तो उसके ऊपर हाथ मार देगा, चक्कू छुरिया खेलेगा, उसको कुछ लगता नहीं डर, और बहुत इम्पल्सिव रहता है, बहुत ही इम्पल्सिविटी रहती है, मतलब अचानक कुछ तो भी कर रही, आवेशपूर्ण आवेग आएगा और आवेगशील रहेगा, इम्पल्सिव, बहुत चंचलता, बहुत आवेगपूर्ण, सडनली कुछ तो भी कर लेगा, अपने को मालूम है ऐसा क्यों किया उसने, फटाक से उठेगा कुछ तो भी उठ के फेंक देगा या इधर से उधर उठेगा जंप कर देगा। तो फिर एक जगह वो टिकता भी नहीं, एक जगह उसका लक्ष्य एकाग्र होता नहीं है, और इधर उधर घूमते जाना, पढ़ाई फिर नहीं, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, और ये ज़्यादातर 6 साल के पहले ही दिखाई देता है बच्चों में। बच्चा छोटी छोटी गलतियां करता है पढ़ाई में, मालूम नहीं पड़ती, मगर ऐसा क्यों गलतियां करता है समझ में नहीं आता, बार बार बोलने के ऊपर भी गलतियां करता है, भुलक्कड़पना होता है क्योंकि याद नहीं रहता जो पढ़ा हो, क्योंकि एकाग्र हुआ ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन किया नहीं है, कोई चीज खो देता है अपनी, स्कूल में जाता है तो चीज खो देगा, बार 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 खोना, यू लूज थिंग्स, एक जगह टिकेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं बात, वो अपन उसको कुछ बोलते तो सुनता नहीं, एकदम अपोजिशनल बिहेवियर है जैसा रहेगा, फिर काम बदलते रहेगा, एक काम करेगा फिर कुछ समय बाद दूसरा काम करेगा फिर तीसरा काम करेगा, खाना खाते समय एकदम उठ के खुश तभी फटाक से उठ के फेंक देगा, उठाएंगा फोन ही करेंगे, मतलब इंटेंशनल कुछ भी रहता नहीं है, कोई पर्पज रहता नहीं है, टिकता नहीं है एक जगह, चीजें उसकी व्यवस्थित नहीं रहती है, एक जगह रहती नहीं, ऑर्गेनाइज रहेंगी नहीं, वो पढ़ नहीं पाता हिसाब से, हिलते रहना है, बैठेगा तभी हिलेगा इधर से उधर, ज्यादा बातें करना और बिना सोचे कृति करना, उसको डर ही लगता नहीं है कुछ चीज का। फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम मार्क्स कम पड़ते हैं, पढ़ाई में बहुत पीछे हो जाता है, रहता होशियार, उसके साथ में कोई संगत करता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं रहती, फिर उसकी सोशल इंट्रैक्शंस नहीं होती है, बच्चों के साथ में टिकता नहीं वो कहीं भी, और उसको अनुशासन नहीं रहता, डिसिप्लिन नहीं रहता है। करीब करीब 25 साल के उम्र के बाद भी 15% बच्चों को ये सिम्टम दिखाई देते हैं, बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों के धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और 65% बच्चों को 25 साल के बाद में भी कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। अभी इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक तो मेडिसिंस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, पेरेंटल थेरेपी, पेरेंटल काउंसिलिंग, बिहेवियर ट्रेनिंग, ऐसा सब उसका इलाज है। मेडिसिंस में मिथाइल फेनिडेट है 10 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम, एटामोक्सेटिन है, तो ये दवाइयां अच्छी काम करती है, मैं दोनों भी इस्तेमाल करता हूं, उससे थोड़ा सा ऐसा होता है कि नींद नहीं आती रात को बच्चों को, चिड़चिड़ापना होता है, सरदर्द होता है, बीपी बढ़ सकता है, ये उसके साइड इफेक्ट है, अदरवाइज गोली बहुत अच्छी है और हम बहुत दिन तक दे सकते हैं ये दवाई, और उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसके कॉजेस क्या है? जेनेटिक्स मेनली, या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ब्रेन में होगा कुछ, एग्जैक्ट रीजन जो है वो हमको मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है, मगर हाइपर एक्टिव ब्रेन रहता है इतना पक्का है। वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करो। हमारा ऐप है डॉक्टर केळकर मनोविकास, ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस फ्री में हैं, कुछ वीडियोस आप खरीद सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स खरीद सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।